गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट लेसन 20 डाटा हैंडलिंग. व्हाट इज डाटा? डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन. डाटा क्या है? कुछ नंबर्स का कलेक्शन है जिनसे हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल सकती है. फॉर एग्जांपल, एक पर्टिकुलर सोसाइटी में कुछ चिल्ड्रन का सर्वे किया गया, उनसे पूछा गया कि उनको आइसक्रीम का कौन सा फ्लेवर पसंद है, और उस डाटा को एक लिस्ट में लिखा गया. जैसे सिद्धार्थ को चॉकलेट फ्लेवर पसंद है, संजीव को आइसक्रीम का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद है, शिखर को वनीला फ्लेवर पसंद है. तो एक हमने लिस्ट बनाई है. ये जो लिस्ट है, ये जो हमने डाटा कलेक्ट की है, दिस इज़ कॉल्ड डाटा. अब इस डाटा को प्रॉपर वे में कैसे अरेंज कर सकते हैं, यानी इस डाटा को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं. अब जो आइसक्रीम के डिफरेंट फ्लेवर्स है वो हमने यहाँ लिखे, चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी, ब्लैक कोकोनट. अब यहाँ पे देखो, चॉकलेट कितने चिल्ड्रन को पसंद है, चॉकलेट फर्स्ट के चॉकलेट, तो आप एक टैली मार्क, ये क्या होते हैं, टैली मार्क, चॉकलेट को टैली मार्क से शो करेंगे. देन स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी कहाँ लिखा है, यहाँ एक टैली मार्क आपने बनाया. नेक्स्ट क्या है, वनीला, वनीला के सामने आप एक टैली मार्क बनाएंगे. देन चॉकलेट, चॉकलेट सेकेंड टैली मार्क. जब वो रिपीट होगा कोई वैल्यू, कुछ अगर जो वैल्यू अगर रिपीट होती तो उसमें हम नेक्स्ट टेलीमार्क बनाएंगे. उसके बाद है स्ट्रॉबेरी, तो आप स्ट्रॉबेरी के आगे एक टेलीमार्क बनाएंगे. वनीला, वनीला के आगे आप टेलीमार्क बनाएंगे. तो इस पूरे डाटा को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे हैंडल कर सकते हैं. तो ये जो डिफरेंट फ्लेवर्स हैं इनको हम टेलीमार्क से शो कर सकते हैं. ठीक है, इससे हमें ये पता चलेगा कि चॉकलेट कितने चिल्ड्रन को पसंद है, वनीला फ्लेवर किनको पसंद है, कितने जो स्टूडेंट्स हैं या चिल्ड्रन हैं उनको वनीला फ्लेवर पसंद है. ठीक है, तो ये हम पूरा डाटा कलेक्ट करके प्रॉपर वे में उसको अरेंज करते हैं. दिस इज़ कॉल्ड डाटा हैंडलिंग. इसमें क्या होता है, हम किसी भी वैल्यू को टैली मार्क से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. व्हाट इज़ टैली मार्क? दिस वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल जो लाइन है, दिस इज़ कॉल्ड टैली मार्क. ठीक है, तो टैली मार्क को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हमें सेवन, कोई भी हमें नंबर शो करना है, सेवन है, सेवन को आप कैसे शो कर सकते हैं टैली मार्क यूज़ करके. सेवन को कैसे लिखेंगे, वन टू थ्री फोर, फाइव को आप ऐसे शो करेंगे, फाइव सिक्स सेवन. ट्वेल्व को आप टैली मार्क से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ट्वेल्व नंबर को आप टैली मार्क से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वन टू थ्री फोर, फाइव को आप ऐसे लाइन से शो करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. ठीक है, फोर वर्टिकल लाइन कंप्लीट होने के बाद आप फिफ्थ को ऐसे क्रॉस करेंगे. ट्वेल्व को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है. टैली मार्क हम यूज़ करके जो वैल्यूज़ हैं नंबर्स हैं उनको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब एक्सरसाइज देखिए, 20.1, द वैल्यू ऑफ दिस इज, इसकी वैल्यू क्या है, काउंट कीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव, एक सेकेंड, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, इसकी वैल्यू क्या है, एट. तो एट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. ठीक है, सेकेंड पार्ट, द वेट्स ऑफ 11 बॉयज इन केजी आर गिवन बिलो. द वेट ऑफ हैवीएस्ट बॉय इज, जो सबसे हैवीएस्ट बॉय है उसका वेट क्या होगा. इसके लिए सबसे पहले इस डाटा को आप अरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले आप जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको लिखेंगे. यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 43, 42, पहले हमने यहाँ लिखा 42, देन 43, 44, 42, 43, 44, देन 45 नहीं है, 46 भी नहीं है, 47, 47 है, उसके बाद 49. तो इनको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, यानी बढ़ते क्रम में, पहले छोटी वैल्यू, उससे बड़ी, ऐसे आप सारी वैल्यूज़ को अरेंज करेंगे. उसके बाद आपको ये आंसर सिलेक्ट करना है. मैंने क्या किया, इन सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, ये जो हमें वैल्यूज़ गिवन है.
11 बॉयज़ का जो वेट्स गिवन है उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद अब हमें हैवीएस्ट बॉय का वेट बताना है। हैवीएस्ट यानी जो सबसे लास्ट में वैल्यू होगी, ठीक है। हैवीएस्ट वेट क्या है, 57 केजी, तो आप 57 पे मार्क करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपको नहीं करना है। थर्ड देखिए, द फॉलोइंग आर दी वेट्स ऑफ 12 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, आंसर दी अबव डाटा, अरेंज दी अबव डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर एंड आंसर दी क्वेश्चंस गिवन बिलो। इस डाटा को आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 में इस वैल्यू को, ये जो डाटा हमें गिवन है, इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे पहले आपको जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो लिखनी है। इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है आप देखेंगे, 35 के बाद आप क्या लिखेंगे, 36, देन 36 के बाद आएगा 39, देन 40 के बाद आप लिखेंगे 42, 44, 45, 46, 49, 55, 53, देन 55। ये वैल्यूज़ को आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, यानी छोटी वैल्यू से स्टार्ट करते हुए आप सबसे बड़ी वैल्यू लिखेंगे। अब आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, व्हाट इज़ द वेट ऑफ द हैवीएस्ट स्टूडेंट, यानी जो हैवीएस्ट स्टूडेंट्स या जिसका वेट सबसे ज़्यादा है हमें वो बताना है। सबसे ज़्यादा वेट कौन सा होगा, ये वाला। तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर में आप लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में 55 kg। सेकंड पार्ट देखिए, इसमें क्या है, व्हाट इज़ द वेट ऑफ द लाइटेस्ट स्टूडेंट, यानी जो सबसे कम वेट हमें बताना है क्या होगा। इसमें सबसे कम वेट क्या होगा, 35 kg, जो स्टार्टिंग की वैल्यू है। तो लाइटेस्ट वेट क्या है, 35 kg। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, इसको आप कॉपी में लिखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।